भारत जोड़ो यात्रा में जिस खूबसूरत महिला ने राहुल गांधी का थामा था हाथ, अब राहुल के लिए लड़ेगी लोकसभा चुनाव। जी हां, आपको बताया चले कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें राहुल गांधी को जनता का बेसुमार प्यार मिला, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर चलते हुए राहुल गांधी का साथ दिया और अपनी यात्रा को जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त भी की। इस दौरान कई वीडियो और फोटो भी राहुल गांधी का कई खूबसूरत महिला एवं अन्य लोगों के साथ सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। अब इसी कड़ी में पूनम कौर, जो कि एक अभिनेत्री है, लगातार अपनी अदाओं से लोगों का तापमान बढ़ाती रहती है, वो भी राहुल गांधी से प्रेरित होकर भारत जोड़ो यात्रा में उनका साथ देने के लिए पहुंची थी। उस समय पूनम कौर सफेद रंग की साड़ी पहनकर राहुल गांधी का हाथ थामकर लगातार कई किलोमीटर तक पैदल पद यात्रा की थी। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस पूनम कौर को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि पूनम कौर को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाए, ऐसा सूत्र बताते हैं। यहां आपको पता चले कि जिस तरीके से अभिनेत्री पूनम कौर ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का हाथ थामकर कई किलोमीटर तक पैदल पद यात्रा की थी, उसके बाद अब राहुल गांधी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। उसके लिए राहुल गांधी पूरी जी जान में लग गए हैं और कहीं ना कहीं पूनम कौर को कांग्रेस की तरफ से टिकट देकर आने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ हलचल न्यूज़ पर।